पिछले क्लास में हमने क्या सीखा था, अपना घर का यानी ये चिड़िया चींची और चिमी उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत जान लिया था। फिर भी आपको एक बार रिवाइज करके बताती हूँ मैं कि अपना घर, यहाँ चिड़िया है उसके नाम है चींची। चींची जो है वहाँ एक घोंसले पर रहती थी, आम के पेड़ पर एक उन्होंने ढाली पे उसने एक घोंसला बनाया था। तो घोंसले में वो उसने दो अंडे दिए, वो दो अंडे देने के बाद उसमें से दो छोटे छोटे लाल रंग के दो बच्चे निकले। वो बच्चे थोड़े दिन होने के बाद उसको पंख आने लगे, और जब भी वो चींची उड़ने की कोशिश करती यानी कि उसकी माँ पंख फैलाकर उड़ने के लिए जाती, तब बच्चों को भी क्यूरियोसिटी होती थी कि मैं भी पंछियों की तरह उड़ूं। लेकिन वहाँ पे वो बहुत छोटे थे और उनके पंख भी आए नहीं हुए थे। तो उन्होंने क्या किया, उसकी माँ उनको समझाती थी कि बच्चों अभी आपको पंख उतने भी अच्छे नहीं आए हैं, यानी कि उतने भी स्ट्रांग नहीं हुए हो आप उड़ सके। अब जब भी अभी उड़ने के लिए जाओगे तो नीचे गिर जाओगे। नीचे गिर जाने से आपको क्या होगा, आपकी हड्डी टूट सकती है और फसली भी टूट सकती है। तो इसके आगे आप वो ज़ख्म हो गया तो आप आगे ज़िंदगी भर उड़ नहीं पाओगे। इसलिए वो माँ समझा कर कहती है कि आपको नहीं अभी उड़ना है करके। फिर थोड़े दिन बाद माँ डेली खाना ला कर देती है, दाने चुगाने जाती है, तो दाने चुगाने लेके आती है, बच्चों को खिलाती है। बच्चे थोड़े दिन में बड़े हो जाते हैं और वो भी थोड़ा थोड़ा बहुत उड़ने के लिए सीख जाते हैं। जब माँ उनको उड़ाने के लिए लेके जाती है तो बच्चे बहुत ही खुश होते हैं, और जब माँ दाना चुगने के लिए जाती है तो वो बच्चे क्या करते हैं, चूचू और चिमी दोनों भी बाहर निकल कर खुद उड़ने के लिए जाते हैं। और उनको उड़ने के लिए इतना मज़ा आता है ना, वो घर आने के लिए नाम भी नहीं लेते। और माँ उनको समझाती है, जब भी आप उड़ने के लिए जाओगे तो आपको दूसरे पंछियाँ मार देंगी और तुम्हें परेशान करेंगी, इसलिए तुम्हें नहीं जाना है करके उनको चुनौती देती है। फिर भी वो चूचू और चिमी नहीं मानते। क्या देखिए आगे क्या होता है, धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, ठीक है, उनके पंख थोड़े उड़ने के लायक हो गए। अब चींची जब भी उनके लिए चुग्गा लाने जाती, वे उड़ने का अभ्यास करते। जब भी उसकी माँ दाने चुगाने जाती थी यानी कि दाना लेने के लिए जाती थी, तो वो बच्चे क्या करते थे, माँ के गैर हाजिरी में वो उड़ने का प्रयास करते थे। कभी गिर कर चोट भी खा जाते। जब उन्हें अपने पंखों पर उड़ने का पूरा विश्वास आ गया तो एक दिन माँ की गैर हाजिरी में घोंसलों से निकलकर दूर दूर तक चले। जब माँ की गैर हाजिरी में वो एक दिन क्या किया, उन बच्चों ने चींची और चिमी ने जब माँ दाना चुगाने गई तो वो क्या किए, घोंसले से बाहर निकलकर दूर दूर तक उड़ने लगे। उन्हें बड़ा ही मज़ा आ रहा था। वे कभी भी एक पेड़ से उड़कर दूसरे पेड़ पर पहुंचते तो कभी एक ढाल से दूसरी ढाल पर पहुंचते थे। फिर उड़ाने में यानी कि उड़ान भरने में उनको बहुत मज़ा आता था। तो बस चूचू ने सोचा, माँ हमें यूं ही डराती रहती है। वो क्या सोचने लगे, माँ हमें खामखा ही डराती रहती है, बल्कि हमें तो उड़ने आ रहा है और उड़ने में कितना मज़ा आ रहा है करके वो कह रहे थे। अगले दिन वे माँ से बोले, मम्मी हम भी तुम्हारे साथ दाना चुगाने चलेंगे करके। तब माँ कहती है कि आप छोटे बच्चे हैं तो दाना एक दिन तो माँ से बिना बताए बाहर निकल गए थे वो एक ढाल एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर और एक ढाल से दूसरे ढाल पर ऐसे उछल कूद कर रहे थे, तो उनको बड़ा ही मज़ा आ गया। तो उन्होंने क्या किया कि दूसरे दिन माँ से कहा, मम्मी हम भी आपके साथ दाना चुगाने आपके साथ चलेंगे। तब माँ कहती है कि बच्चों अभी आप लोग छोटे हो तो अभी आप उड़ नहीं सकते, और जहाँ भी बाहर जाओगे तो दूसरी पंछियाँ तुम्हें परेशान करेगी करके अभी थोड़े दिन के लिए चुप रहिए करके उसकी माँ उन्हें कहती है। तो बच्चे नहीं सुनते,
जैसे ही माँ दाना चुगाने बाहर चली जाती है, वो दोनों बच्चे बच्चे क्या करते हैं, फिर से उसी तरह से बाहर निकल कर आते हैं घोंसलों से और दूर दूर तक उड़ान भरने लगते हैं। और उनको दुनिया इतनी सुंदर लगती है कि वो खुद पर विश्वास रखने लगते हैं और दूर दूर तक उड़ने लगते हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़, एक डाल से दूसरे डाल, ऐसे फिर कुछ दूर तक चले जाते हैं और कहते हैं कि माँ तो खामखा हमें डराती रहती है, दुनिया तो कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी लग रही है और माँ हमें बाहर उड़ने के लिए नहीं दे रही है करके वो कहते हैं। तो अभी ऐसे ही उड़ते 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 क्या करते हैं, एक पेड़ पर जाके जैसे ही उड़ने का जो शौक रहता है ना, बहुत सारा उनका मन करता है कि मैं उड़ूँ 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 करके, तो वो चीची और चूचू क्या करते हैं कि उड़ते उड़ते जब भी थक जाते हैं तो एक पेड़ पर जाके बैठ जाते थे, जब भी उनकी थकान दूर होती है तो फिर से उड़ने लगते और जब भी थक जाते तो वो एक जाके पेड़ पर बैठ जाते, इसी तरह वे करते थे और मजा करते थे। तो फिर क्या होता है, एक पेड़ पर ऐसे ही थक जाके बैठ जाते हैं तो एक जैसे ही इनका घोंसला था उसी तरह दूसरे पंछियों का भी छोटा सा घोंसला था वहाँ पे जाते हैं और वो दोनों सोचते हैं कि क्यों ना हम इनके साथ दोस्ती की जाए। तो वो कहते हैं कि जो घोंसला जो रहता है उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि नमस्ते करके बोलते हैं, नमस्ते करके बोलने पर उनके साथ मित्रता करने के लिए सोचते हैं। मित्रता करने के लिए सोचने के बाद वो कहते हैं कि और चीची और चूचू क्या सोचते हैं, यदि हम घर गए तो माँ डांटतेगी और माँ की डराती सुनने पड़ेगी, इससे अच्छा है कि हम इनसे दोस्ती कर ले और इनके साथ ही क्यों ना हम रह ले करके ऐसा सोचते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जब भी उनको बहुत दूर जाना होता है तो बहुत दूर जाने के लिए नहीं होता है तो बच्चे क्या करते हैं, उन्हीं के साथ यानी कि जो छोटे छोटे इनसे भी छोटे थे उनके जैसे बच्चे थे ना, उनके साथ मित्रता करने के लिए वे सोचते हैं। बाद में क्या होता है कि वो दोनों मित्रता बन जाते हैं और बहुत सुंदर लगने लगती है जब सब कुछ नया नया लगने लगता है उनको। उसके बाद जो उन्होंने नया जो उनके माँ कहने के बावजूद भी वो नहीं सुनते, माँ की बात नहीं सुनते, माँ की बात टाल देते हैं और खुद की मनमानी करके वो पंछी बनकर उड़ने लगते हैं और उनको बड़ा ही आनंद आने लगता है। इसके बाद क्या होता है कि वो अगले क्लास में हम देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब एक बार जो मैंने पढ़ाया है वह सेकेंड पैरा से लेकर थर्ड पैरा तक आप पूरा अपना पढ़ाई कीजिए, अगले क्लास में हम ये कहानी पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।